कुचेसर चौपला तिरंगा हिंसा पद यात्रा को सफल बनाने हेतु आज कुचेसर रोड चौपला जनपद हापुड़ में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता हेतु पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यूपी प्रभारी राजेश सिंह का कार्यालय पहुंचने पर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा व पदाधिकारी द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव राजेश सिंह ने 1 अक्टूबर को तिरंगा अहिंसा पद यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए कहा, यह यात्रा हापुड़ नगर पालिका महात्मा गांधी की मूर्ति से शुरू होकर अतरपुरा चौपला तहसील चौपला मेरठ रोड होते हुए मेरठ कमिश्नरी पार्क पर पहुंचकर माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित एक ज्ञापन मेरठ कमिश्नर को सौंप कर सम्पन्न होगी। तिरंगा अहिंसा पद यात्रा विभिन्न मांगों को लेकर हापुड़ से मेरठ कमिश्नरी पार्क तक जो जाएगी और समापन होने से पूर्व एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय लखनऊ उत्तर प्रदेश को संबोधित मंडलायुक्त को वहाँ पर सौंपा जाएगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने कहा, तिरंगा अहिंसा पद यात्रा का उद्देश्य सरकार का आम इंसान की तरफ ध्यान उद्देशित करना है। बैठक में पंडित आशीष शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंडित लोकेश शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित सागर, अध्यक्ष मेरठ मंडल अनुसूचित जाति, जिला उपाध्यक्ष पंडित सुनील शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सोनू गौतम, जिला सचिव आदि लोग उपस्थित रहे। हापुड़ के कुचेसर से संवाददाता सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? राजेश सिंह है। अच्छा, आज आपका हापुड़ में आगमन हुआ है, किस चीज को लेकर हुआ है? हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी जो कि यहाँ पर हमारे यूपी के अंदर नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के पार्टी अपने यहाँ पर जो भी हमारा संगठन है उसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जो हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री गोपाल शर्मा जी ने आयोजित कर लिए। उसके अंदर आज हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक है जिसके अंदर हम लोग आने वाले नगर निगम के चुनाव और उसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए उसकी योजना बनाने के लिए सभी बैठे हैं यहाँ पर। इसमें सभी लोगों के, सभी सदस्यों के विचारों को लिया जाएगा और उसके बाद सभी के विचारों पर बात करने के बाद में हम लोग आगे का रास्ता, आगे का अपना रास्ता जो है तय करेंगे कि हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना है, किस दिशा में हमारे अपने प्रयास लगाने हैं। और उसके अलावा जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या के ऊपर हमारा एक अहिंसा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है उसकी तैयारियों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसके ऊपर हम उसके यात्रा से जुड़े हुए सभी पहलुओं के ऊपर एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे, किसको किस तरीके की जिम्मेदारी दी जानी है, उन सब चीज़ों पर बात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।